नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की मांग को लेकर धनबाद में यदुवंशियों का एक दिवसीय मार्च धनबाद के केंदुआ से डीसी ऑफिस तक निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में यदुवंशी शामिल हुए। एक दिवसीय मार्च के माध्यम केंद्र सरकार से अहीर रेजिमेंट की स्थापना की मांग की गई। यदुवंशी नेताओं ने कहा कि जब राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट समेत कई अन्य रेजिमेंट सेना में हो सकते हैं, तो अहीर रेजिमेंट को शुरू क्यों नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की मांग की जा रही है। 1962 के युद्ध में यादव समाज के 112 युवा जाबाज सैनिकों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की थी। देश की रक्षा के लिए आज भी यादव समाज के युवा अपना योगदान दे रहे हैं। यादव महासभा द्वारा अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अहीर रेजिमेंट के गठन की दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है, जो चिंताजनक है। 15 नवंबर 1965 में जो भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के याद में 113 वीर अहीर सैनिक शहादत दिए थे और उसी युद्ध में भारत की विजय हुई थी। उसी युद्ध के याद में आज हम लोग यादव समाज के लोग ये जांगला स्वर्ण दिवस मना रहे हैं और आज हम लोग अहीर रेजिमेंट का ज्ञापन कर रहे हैं। किसी अन्य डीसी को हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए हैं और सभी की एक मांग है की अहीर रेजिमेंट का गठन हो। युवा यादव महासभा का मैं जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने चुना है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।